तो पांच रिस्ट्रिक्शन मैंने टोटल बताए थे, और किसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक नोट ये भी लिखाई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो तो क्या करना होता है, आपको सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को अलग अलग कंसीडर करना होगा और फिर सारे रिस्ट्रिक्शंस का इंटरसेक्शन लेना होगा ताकि सारे रिस्ट्रिक्शंस सेटिस्फाई हो जाए और फिर आपका आंसर आ जाए, तब जाकर के आप ओवरऑल डोमेन निकालते हो। इस पे बेस्ड हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर रखे थे, आज हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आपको डोमेन निकालना है, क्वेश्चन लिखा था आपको फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है। तो अगला आपको जो डोमेन निकालना है दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन x, ठीक। तो इसका जरा डोमेन निकालिए जल्दी से। आया चलिए देखते हैं इसको। देखो अभी इस पे ये जूम पे मैंने अभी टोटल प्रैक्टिस नहीं किया है, एक आध क्लास में जो है तो इस पे हम यूज टू हो जाएंगे, तो जो भी चीजें होंगी तो वो स्मूथली चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस पे इसका डोमेन निकालते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे डोमेन निकालने के लिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही रिस्ट्रिक्शन है, और वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन। स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जो कॉस ऑफ साइन एक्स है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को देखिए हमेशा हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी फंक्शन में मैं कुछ चीजों को रिपीट कर रहा हूं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको रिपीट कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी सॉल्व बाई ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हम लोग हमेशा ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं। तो अब कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉस के अंदर का इनपुट है वो सिंपल एक्स नहीं है बल्कि वो क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स है, अगर कॉस का इनपुट जो है वो एक्स नहीं साइन एक्स है, तो इस केस में हम लोग पता एनालाइज करेंगे कि कॉस का इनपुट हमारा कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। कॉस का इनपुट जो है अगर आप देखोगे वो साइन एक्स है, वो कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये माइनस वन से वन तक वैरी करेगा। तो कॉस का इनपुट अगर माइनस वन से वन तक वैरी करेगा तो जो इसका आउटपुट है वो कहां से कहां तक वैरी करेगा, कॉस ऑफ माइनस वन से लेकर के कॉस ऑफ वन तक वैरी करेगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट एक्स नहीं बल्कि कुछ और है तो आप इसको चेक करो कि ये कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। आप एनालाइज करो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इस कॉस का इनपुट कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, माइनस वन से वन तक वैरी कर सकता है। तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो कहां से कहां तक वैरी करेगा, कॉस ऑफ माइनस वन से कॉस ऑफ वन तक वैरी करेगा। अब हमें इसमें देखना है कि ये कब कब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, तो इसके लिए हमें कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कॉस का ग्राफ देखिए आप ड्रॉ करो, कॉस का ग्राफ आप सभी को पता है कुछ इस तरीके से होता है। इस टाइप अब ये कॉस का इनपुट माइनस वन टू वन एंड वन रेडियन इज नियरली कितना होता है 57 डिग्री, ये कितना होगा माइनस 57 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो इनपुट है वो माइनस 57 डिग्री से 57 डिग्री तक वैरी करेगा, तो इसका आउटपुट जरा देखिए माइनस 57 डिग्री या माइनस वन रेडियन यहां पे
वन रेडियन यहां पे, तो कॉस का इनपुट माइनस वन से वन तक वेरी कर रहा, तो इसका आउटपुट कॉस ऑफ माइनस वन से कॉस ऑफ वन तक वेरी करेगा ये, ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। तो अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो आप इस आउटपुट में जिसको मैंने डार्क कर रखा है इसको देख के मुझे बताइए कि ये कहां पे ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो दिख रहा है, ये जीरो से कहां पे बड़ा है, इस जीरो से। तो आपको दिखेगा कि ये तो जीरो से भाई हमेशा बड़ा है, ऑलवेज हमेशा बड़ा है ना। तो कहने का मतलब ये, अब जरा मेरी बातों को शुरू से सुनिएगा, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ये जो साइन एक्स है ये आपका माइनस वन से वन तक वेरी करेगा, और उसके लिए जो कॉस का आउटपुट है वो ये वाला होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये कॉस ऑफ साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए आप इसका जो डोमेन बताओगे वो क्या बताओगे, डोमेन होगा इसका ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रीजन क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर अगर आप लोगे तो उसके लिए साइन एक्स आपका माइनस वन टू वन वेरी करेगा, जिसके लिए कॉस का इनपुट माइनस वन से वन अगर वेरी किया तो इसका आउटपुट कॉस ऑफ माइनस वन से कॉस ऑफ वन तक वेरी करेगा ये वाला, देखिए जो ग्राफ से मैंने आपको दिखाया, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस कॉस ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया हुआ है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, और अगर ये क्वेश्चन से आपको कुछ डाउट रहा होगा तो अगले क्वेश्चन से आपका डाउट दूर हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन को जरा करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक, और इसका आपको डोमेन निकाल के बताना है। ये अनम्यूट कहाँ से करेंगे भाई, ये मैंने म्यूट ऑल कर दिया था क्योंकि आलतू फालतू की चीजें तुम लोग बोलते रहते थे, कहीं से कुछ आवाज आ रही थी, ठीक है, तो मैं अनम्यूट चलो किए दे रहा हूँ, लेकिन फालतू की जो है तो बातें आवाज मत निकालिएगा, जिसको जब क्वेश्चन होगा उसी समय पे आप बोलिएगा। ये अनम्यूट कहाँ से होता है, एक एक करके हो गया, इकट्ठा होगा, लेट मी चेक, ठीक है, जस्ट वेट करिए।
इसका माइक ऑन हुआ, ये कैसे अनम्यूट होगा भाई? ये तो हो गया सर, हो गया सर, हो गया Yes, sir. चलो ठीक है, तो बताइए फिर y equal to under root of sine of cos x 0 से pi by 2 minus pi to pi minus pi by 2 to pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2। बेटा कौन सी क्लास में हो पता है? पीयूष बोल रहे हो? यस सर। कौन सी क्लास में हो? सॉरी सर, 0 टू पाई बाय 2 सर। अच्छा चलो देखिए, देखो यहाँ पे करते हैं, क्या करोगे यहाँ पे? एक रिस्ट्रिक्शन है ना, कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? अंडर रूट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इसके अंदर की जो क्वांटिटी है साइन ऑफ कॉस एक्स वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है दैट विल ऑलवेज बी सॉल्व्ड बाय ग्राफ, तो यहाँ पे हमें साइन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करोगे? तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉस एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? माइनस वन से वन तक। तो साइन का इनपुट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? माइनस वन से वन तक। तो इसका जो आउटपुट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? साइन ऑफ माइनस वन से लेकर के साइन ऑफ वन तक वेरी करेगा, ठीक है। और वन होता है नियर अबाउट 57 डिग्री। तो साइन का जो ग्राफ हमें लेना है वो कहां से कहां तक लेना है? नियरली माइनस 57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच वाला ग्राफ लेना है, ठीक। देखो मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, माइनस वन से वन या नियरली माइनस 57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच वाला ग्राफ अगर आप कंसीडर करोगे तो देखो ये वाला आएगा ये। अब इसमें आप वो पोर्शन कंसीडर करो जिसमें साइन का आउटपुट पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन। देखो ये वाला पोर्शन, ये 0 टू 1 वाला, देख रहे हो ना? तो अब जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना, नहीं तो मिस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव दे रहा है अगर साइन का इनपुट 0 से 1 के बीच वेरी करे, क्लियर। फिर से देख लो, साइन का इनपुट कहां से कहां तक वेरी कर रहा? माइनस वन से वन तक वेरी कर रहा। तो पॉजिटिव कब दे रहा? जब साइन का इनपुट 0 से 1 वेरी कर रहा तब ये पॉजिटिव मिल रहा, ठीक। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बताओ? इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि साइन का इनपुट जब 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो साइन ऑफ कॉस एक्स विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन साइन का इनपुट इस बार आपको दिख रहा है कि क्या है? कॉस एक्स। That means कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा जब आपका cos x जो है वो 0 से 1 के बीच होगा, ये ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि cos x 0 से 1 के बीच में कब है? तो फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है और इसको भी आप ग्राफ से सॉल्व करोगे या इसका आंसर भी आपको ग्राफ से ही देना पड़ेगा, cos के ग्राफ से देना पड़ेगा। तो cos x 0 से 1 के बीच में कब है इसका आंसर हम लोग cos के ग्राफ से देते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा कॉस का ग्राफ बनाते हैं। और कॉस 0 से 1 के बीच में कब है वो देखिए। तो अच्छा एक बात और कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करते हो तो आप एक पीरियड में सोल्यूशन निकालो और फिर उसको जनरलाइज कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, एक पीरियड लेते हैं माइनस पाई से पाई तक का। देखो टोटल लेंथ 2 पाई हो गई। इसमें आप मुझे बताओ इस माइनस पाई से पाई के इंटरवल में आप जरा देख करके बताइए कि कॉस 0 से 1 के बीच में कब है। तो 0 से 1 के बीच में देखो ये है कॉस, 0 से 1 के बीच में ये है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसको जनरलाइज करोगे, जनरलाइज कैसे करोगे? इसमें 2n पाई ऐड करके। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई प्लस पाई बाय 2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। ये है आपका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन।
ठीक है, इसलिए यही हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, शुरू से मैं आपको फिर से पॉइंट आपको बताता हूं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो साइन ऑफ कॉस एक्स को ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो किया। फिर साइन का इनपुट आपने देखा कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा, माइनस वन से वन तक, तो इसलिए इसका आउटपुट साइन ऑफ माइनस वन से साइन ऑफ वन तक वेरी करेगा। इसका ग्राफ देखा साइन का, तो हमें पता चला कि ये पॉजिटिव कब कब आ रहा है, जब साइन का इनपुट जीरो से वन के बीच में, तब तब ये पॉजिटिव देगा। तो साइन का इनपुट तो कॉस है, तो इसलिए जब कॉस जीरो से वन के बीच में वेरी करेगा, तब तब ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन उठता है कि कॉस जीरो से वन के बीच में कब वेरी करेगा, तो उसके लिए हमें कॉस का ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ हमने बनाया, एक पीरियड में देखा जीरो से वन के बीच कब है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और उसको जनरलाइज कर दिया 2n पाई ऐड करके, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, और नहीं तो नोट करिए। बोलो डाउट है जल्दी बताओ। नो सर। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पेज में ले लेते हैं। 3 ही पेज आते हैं क्या जी इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट पेज न्यू पेज कहाँ से आता है। देखो y आपको डोमेन निकालना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस हाफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, डोमेन निकालिए जरा इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बात ध्यान रखना, शुरू के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट रहते हैं, आप सबको पता है ना, नीचे लेवल से स्टार्ट करके हम लोग ऊपर लेवल तक जाते हैं। इसलिए करते हैं, चलिए देखिए तो इधर क्वेश्चन, और जरा मेरी बात का आंसर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कितने रिस्ट्रिक्शन आपको दिख रहे हैं? सर दो। दो
दो रिस्ट्रिक्शन दो। एक देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट और एक डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, है ना। एक कहां कहां पे रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है, एक न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट दिख रहा है और एक डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो इन दोनों रिस्ट्रिक्शन को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों रिस्ट्रिक्शन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। रूल क्लियर है? अच्छा, तो आप सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर का रिस्ट्रिक्शन देखिए। न्यूमरेटर का रिस्ट्रिक्शन है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर की भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, वैसे तो आर इक्वल टू होता है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन में एक अलग से डिस्कस करूंगा। ऑल्दो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब हमें दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब मुझे ये बताओ जरा किसको पहले सॉल्व करें, cos x माइनस हाफ वाले को पहले सॉल्व करें या 6 प्लस 35 x माइनस 6 x स्क्वायर वाले को पहले सॉल्व करें? डिनोमिनेटर वाले को। देखो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एक नोट आप सभी अपने कॉपी में डाल लीजिए, ठीक है, सोल्यूशन में, सोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले एक नोट डालिए, लिखो सब लोग कि फॉर मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन सॉल्व दैट रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट which has smaller solution या smaller interval of solution, solve that restriction first which has smaller interval of solution। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा restriction है तो ऐसा नहीं कि आप पहले किसी को भी सॉल्व कर लो, आप पहले उस रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करो जिसका आंसर छोटा आता है, जिसका डोमेन छोटा आता है, ठीक है, पहले आप हमेशा उसको सॉल्व करो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एलजेब्रिक है, तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रिक में हमेशा एलजेब्रिक का ही आंसर छोटा आता है, हमेशा इसका ही डोमेन छोटा आता है, क्योंकि इसका तो जनरल सोल्यूशन आता है ना, इसका जनरल सोल्यूशन आता है, इसका सोल्यूशन बड़ा आता है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका छोटा आंसर आएगा, इसका डोमेन छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो छोटे डोमेन वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये रूल बना के रखिएगा, और जिसका डोमेन या जिसका आंसर बड़ा आएगा उसको बाद में करेंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री वाले जब कभी भी रहेंगे तो हम लोग उसको हमेशा लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, चलो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 6x² माइनस 35x माइनस 6 और ये लेस देन 0 हो जाएगा। फैक्टराइज करिए दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 माइनस 36 और सम माइनस 35 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 36 प्लस 1, ठीक। यहां से कॉमन निकाल लीजिए कितना, 6x, यहां से मिलेगा प्लस 1, अंदर कितना बचेगा, x माइनस 6 लेस देन 0। एंड बाई वेवी कर्व आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1/6 एंड 6 है, तो इस तरीके से लेस देन 0 के लिए आपको क्या दिखा कि x बिलोंग्स टू माइनस 1/6 टू 6, ओपन ऑन बोथ साइड। तो फाइनली एक बात पता चली, पता है आपने इससे फायदा क्या मिला, जिसका डोमेन छोटा पहले आपने जब उसको सॉल्व किया, तो फायदा यह है कि अब आपको इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन तो निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा इंटरवल कंसिडर करना है, आपको इस इंटरवल के अंदर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताना है, ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको दोनों आंसर का ही इंटरसेक्शन लेना होता, तो इसके अंदर ही आपको इसका सोल्यूशन बताना है, इस इनइक्वालिटी का। कौन सी इनइक्वालिटी भाई, cos x greater r equal to half। तो आपको जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी सॉल्वड बाय ग्राफ, तो cos का ग्राफ बनाते हैं। और आपको देखना है cos x हाफ से बड़ा कब कब है, ये जरा हाफ वाली लाइन खींचते हैं हम लोग,
इस तरीके से। लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया कि हमें पूरा इंटरवल कंसीडर नहीं करना है, हमें जो है तो सिर्फ कहां से कहां देखना है, माइनस वन बाई सिक्स से सिक्स देखना है। तो माइनस वन बाई सिक्स यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पे ये वाला। और सिक्स कहां पे आएगा, सिक्स आएगा टू पाई से थोड़ा पहले, यहां पे कहीं पे आएगा सिक्स ये। अब इस इंटरवल में जरा आप देखिए कि कॉस का, इस पूरे इंटरवल में आप देखो कि कॉस का कौन कौन सा पोर्शन हाफ से बड़ा दिख रहा है। देखो ये पोर्शन हाफ से बड़ा दिख रहा है, ये वाला, यहां पे तो है नहीं बड़ा हाफ से, ये वाला पोर्शन हाफ से बड़ा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आंसर है वो देखिए क्या आया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन बाई सिक्स से लेकर के, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स से लेकर के, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे कॉस एक्स की वैल्यू हाफ है। और कॉस एक्स की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, कॉस एक्स की वैल्यू हाफ पाई बाई थ्री पे होती है, ठीक है। और ये भी कॉस एक्स हाफ, ये कहां पे होगा, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री, यस। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज माइनस वन बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री। माइनस वन बाई सिक्स पे ओपन है, पाई बाई थ्री पे देखो क्लोज आएगा क्योंकि हाफ पे क्लोज है, यूनियन फाइव पाई बाई थ्री से सिक्स, फाइव पाई बाई थ्री पे क्लोज आएगा और सिक्स पे ओपन आएगा, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला, 40 मिनट की जूम मीटिंग देता है, एक आध दिन के अंदर जो है तो मैं वो पासवर्ड करके इसको बढ़ाऊंगा ताकि ये पूरा एक घंटा सवा घंटा हम लोग का चले, ठीक है। दो बार लॉगिन कराने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लॉगिन करते करते तुम लोग का जो है तो 15 मिनट तुम लोग उसी में लेते हो, 10 मिनट। और दूसरी बात, थोड़ा मुझे भी कुछ इसके फंक्शंस पूरी तरह से नहीं पता है, तो आई होप कि कल तक में इसके सारे फंक्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आया सबको, क्वेश्चन आसान? यस सर। अच्छा, यस सर। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन ये होमवर्क आपको पता है ये सबको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सबको नहीं करना, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि ये इसका भी जो है तो चार गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को लगता है कि उसने सही किया है तो वो मुझे सॉल्यूशन की फोटो भेज सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसका डोमेन इसके कंपैरिजन में ये काफी डिफिकल्ट है, ठीक। आंसर चाहोगे तो मैं आंसर भेज दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। यहां से हम लोग का रिस्ट्रिक्शन नंबर वन हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो डोमेन निकालने का ये था हमारा रिस्ट्रिक्शन नंबर वन। नाउ वी कम टू रिस्ट्रिक्शन नंबर टू। स्टार्ट किया जाए रिस्ट्रिक्शन नंबर टू। यस सर। हाँ, तो अभी तो यार मीटिंग का टाइम 40 मिनट होने वाला है, एक मिनट बचा हुआ है, ठीक है, इसमें ये इंड हो जाएगा, 40 मिनट्स का सेशन होता है। तो आज रुको, मैं और फंक्शन ना हो तो सीख लेता हूँ, कल हम लोग रिस्ट्रिक्शन नंबर टू करते हैं, ठीक है, 5 बजे से क्लास होता है ना, तो कल रिस्ट्रिक्शन नंबर टू करेंगे और कल की क्लास पूरा एक घंटे चलेगी, ठीक है, उससे कम में नहीं इंड होगी वो, हम मीटिंग आईडी पासवर्ड का वो करके करते हैं इसको, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन वन इज ओवर, और कल मैं पैकेज का भी अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि होमवर्क भी दे सके। अभी मैं पटना आया हूँ कल रात को, तो इसलिए चूंकि आज जल्दी जल्दी में सारे अरेंजमेंट हो नहीं पाए हैं, ठीक है, तो हम लोग कल करते हैं। यस, बोलिए सृष्टि आनंद, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? थैंक यू सर। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू सर।